दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है और एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको तीन फोन बताने वाला हूं। पहला फोन आपको ऑलराउंडर देखने को मिल जाएगा, ब्लॉगिंग के लिए भी एक फोन देखने को मिलने वाला है आज के लिस्ट में, और एक फोन आपको क्लीन यूआई वाला देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पोको एक्स फोर प्रो जो दोस्तों आपको एक 5G फोन देखने को मिलता है 15 से 16 हज़ार के बीच में, बैंक ऑफर्स इंक्लूड करते हैं तो 15,000 के अंदर आपको ये फोन मिल जाएगा 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये फोन एक ऑलराउंडर फोन है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 695 देखने को मिलता है, जो कि आपको अच्छा गेमिंग भी करवा देगा और अच्छा डेली टास्किंग और मल्टीटास्किंग के लिए भी एक अच्छा फोन रहने वाला है। साथ ही बात करें यहाँ पर इसके डिस्प्ले के बारे में तो 120Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही बात करें यहाँ पर कैमरा के बारे में तो कैमरा भी यहाँ पर आपको बेहतरीन देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, 64 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का मैक्रो सेंसर के साथ 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, फोटो भी आपको शानदार निकाल कर देता है। 4K क्वालिटी का वीडियो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता इसका प्रोसेसर। साथ ही बात करें यहाँ पर इसके बैटरी के बारे में तो 5000mAh की बैटरी, 67W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, आईआर ब्लास्टर जैसा फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों एक बढ़िया फोन है, अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, 5G फोन है और साथ 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप एक क्लीन यूआई वाला फोन चाहते हैं तो आप मोटो Z52 के साथ जा सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा, स्टॉक का रेट का एक्सपीरियंस आपको इस फोन में मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर के साथ आपको ये फोन देखने को मिलेगा। हेवी गेमिंग आप नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल गेमर है तो चल जाएगा काम आपका, मल्टीटास्किंग और डे टू डे लाइफ के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है। साथ ही दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके डिस्प्ले के बारे में तो 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस पी ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसमें आपको दोस्तों ट्रिपल कैमरा का सेटअप भी देखने को मिलता है, जिसमें 50 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है, 16 MP का सेल्फी शूटर के साथ आपको ये फोन देखने को मिलेगा, और कैमरा से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है, फोटो वगैरह बढ़िया निकाल कर देता है, फोटो भी और वीडियो भी अच्छा रिकॉर्ड करके देता है। कैमरा हो गया दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में तो बैटरी आपको यहाँ पर 5000mAh की देखने को मिलेगा, 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, हाइब्रिड सिम ट्रे के साथ आपको यहाँ पर ये फोन देखने को मिलेगा, डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएगा, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 14,000 से 14,500 के बीच में आपको ये फोन देखने को मिलता है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोस्तों अगर आप एक ब्लॉगिंग के लिए एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो इन्फिनिक्स 020 के साथ जा सकते हैं, हालांकि ये एक 4G फोन ही है, लेकिन प्राइस के बारे में बात करें तो 16,000 के अंदर आपको ये फोन देखने को मिलेगा 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसमें आपको दोस्तों कैमरा शानदार देखने को मिलेगा, ट्रिपल कैमरा का सेटअप बैक साइड में देखने को मिलता है, 108 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 13 MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और साथ ही 2 MP का कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको सेल्फी शूटर 60 MP का देखने को मिलता है, OIS का सपोर्ट के साथ 2K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है 30 FPS पर, तो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है। साथ ही दोस्तों बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो MediaTek Helio Z99 देखने को मिलता है, जो कि 6nm वाला एक चिपसेट है, दमदार परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस फोन में, हालांकि डिस्प्ले भी आपको काफ़ी बड़ा इस फोन में देखने को मिल जाएगा, 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ। और बात करें यहाँ पर बैटरी के बारे में तो 4500mAh की बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी, 45W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर ही इस फोन में देखने को मिलता है। बढ़िया फोन है दोस्तों कैमरा के लिहाज से, और परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा, गेमिंग वगैरह भी आप आसानी से कर पाएंगे। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट दबा कर कीजिएगा, साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।